निजी दुकानों एवं मकानों को निशाना बनाने वाले चोरों ने अब सरकारी कार्यालय को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला शाहपुर तहसील कार्यालय का है, जहां अवैध खनन और परिवहन करने के मामले में 4 डंफर तहसील कार्यालय में जब्त थे, उनमें से 2 डंफर में चोरी हो गई है। शिकायतकर्ता पूनम साहू ने बताया कि गाड़ी जब जब्त की गई थी तब चालू हालत में थी, लाकर तहसील कार्यालय में खड़ी की गई और आज जब गाड़ी को जब वह लेने आए हैं तो गाड़ी में से 4 बैटरियां, डीजल के साथ अन्य सामान भी चोरी हो गया है। सरकारी कार्यालय में हुई इस चोरी ने पुलिस के पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों की पोल खोल कर रख दी है। गौरतलब है कि शाहपुर में पिछले कई दिनों से चोर एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस के हाथ अब तक कोई भी सुराग नहीं लगे हैं। रात के दो बजे अपनी गाड़ी पकड़ी थी तहसीलदार साहब ने देसावाड़ी के पास, फिर गाड़ी वहाँ से तहसीलदार साहब ने तहसील कार्यालय में खड़ी करवाई थी अपनी, फिर जो है आज मैं सुप्रतनामा लेके आया हूँ गाड़ी का, और फिर यहाँ आके मैंने देखा तो गाड़ी का डीजल टैंक से डीजल पूरा चोरी चला गया, स्टिंग तोड़ दी है, बैटरी दोनों गाड़ी की बैटरी चोरी चली गई, मेरा 1.5 से 2 लाख रुपये का पूरा नुकसान हो गया है गाड़ी में। जब आपकी गाड़ी तहसील कार्यालय ले गई थी, जब चालू हालत में आपने यहाँ खड़ी की थी, यहाँ पे ड्राइवर चालू हालत में खड़ी करके ड्राइवर को पुलिस के ने अंदर करवाया था ना, मैं तहसीलदार साहब ने पुलिस के इसमें आपकी गाड़ी पे कोई ड्राइवर या क्लीनर नहीं छोड़ा गया था क्या? ना, तहसीलदार साहब ने उनको भगवा दिया था गाली बक के। अच्छा, और गाड़ी यानी तहसील परिसर में यहाँ पे लाख खड़ी कर दी थी दोनों गाड़ियाँ। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपकी गाड़ी? इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है मेरा। आपने अभी आगे क्या कार्रवाई की है इसको लेकर? आगे अभी कोई, मैंने SDM साहब को एक आवेदन बना के दिया है, और आवेदन SDM साहब ने मुझे उसकी वो पावती दी है मेरे को रसीद, आज की तारीख में आज आवेदन प्रस्तुत किया है, लिखा है कि कुछ सामान उनकी गाड़ी का चोरी हुआ है, तो हम संबंधित थाना प्रभारी से इस जो इनका लेटर है उसको फॉरवर्ड करेंगे आवेदन और कार्रवाई होती है। सर एक और सवाल था, तहसील परिसर में रात में किसी प्रकार की चौकीदार की व्यवस्था होती है? हमारे यहाँ ट्रेजरी है, हमारे यहाँ पर खुद एक सशस्त्र गार्ड यहाँ बैठता है। सर उसके बावजूद यानी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये की चोरी का मामला है, तो परिसर में होना एक गंभीर विषय है। ठीक है, अब थाना प्रभारी को हम इसके बारे में लिख रहे हैं, उनका